हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्वीन श्वेता। सबसे पहले आप सबका हालचाल पूछ लेती हूँ, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मड़ुआ की रोटी। मड़ुआ जिसे रागी नाचनी के भी नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है फिंगर मिलेट। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी कलियां फिंगर की तरह होती है। मड़ुआ को भारत में यही कुछ 4000 साल पहले लाया गया था, यानी कि रागी की जर्नी हमारे साथ 4000 साल पहले शुरू हुई थी। रागी पारंपरिक अनाज है, इसे मोटे अनाजों में शामिल किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, ट्रिप्टोफैन और फाइबर मौजूद होते हैं। इसे हाई फाइबर फूड्स में शामिल किया जाता है। ये मड़ुआ की कुछ कलियां हैं, ये अभी थोड़ा सा कच्चा है। इसे हार्वेस्ट तब किया जाता है जब ये पूरी तरह से सूख जाता है। मैंने रागी के कुछ दाने लिए हैं, हालांकि ये अभी सूखे नहीं हैं, ये अभी ताजे हैं, इसलिए इसका आटा तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। मैंने आपको बस दिखाने के लिए लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर ले, एक चम्मच लहसुन के पेस्ट को भी ऐड कर ले। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। बेसन के मिक्सचर को डो की तरह बना लेंगे। बेसन का मिक्सचर पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब हम मड़ुआ का आटा गूंथ लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में मड़ुआ का आटा ले लेंगे। मड़ुआ का आटा गूंदने के लिए हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। आटा में गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं डालें, नहीं तो आटा के गीला होने के चांसेस ज्यादा रहती है। बेसिकली मड़ुआ का रोटी हल्का सा टूटता है या फिर रोटी के कॉर्नर में दरार पड़ जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आटे में ग्लूटेन की मात्रा कम होती है। आटा को अगर पाम से पुश करते हुए गूंदेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके यहाँ साफ सुथरा स्लैब हो और उस पे आटा गूंदेंगे तो बर्तन के अपेक्षा स्लैब पे बढ़िया आटा लग करके तैयार होगा। मड़ुआ का सॉफ्ट आटा लग करके तैयार है। इसे 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दे। 10 मिनट के बाद इसे फिर से नीट कर ले। हमें जितनी मड़ुआ की रोटी बनानी हो उतनी लोई बना लेंगे। मड़ुआ के डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, स्टफिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। रागी की लोई को राउंड शेप देते हुए इसकी आउटर सरफेस को चिकना कर लेंगे। लोई के सेंटर में स्पेस बनाने के बाद स्टफिंग को फील कर ले। स्टफिंग को अंदर की तरफ फील करने के बाद लोई के मुंह को बंद कर लेंगे। लोई के मुंह को बंद करने के बाद इसकी आउटर सरफेस को फिर से चिकना करेंगे ताकि रोटी में कम दरार पड़े। चलिए एक और करके दिखाती हूँ। लोई के सेंटर में उंगलियों से पुश करते हुए स्पेस बना ले। स्पेस में स्टफिंग को फील करने के बाद उंगलियों से पुश करते हुए स्टफिंग को अंदर की तरफ कर ले और फिर लोई के मुंह को बंद करते हुए इसे राउंड शेप देने के बाद थोड़ा सा फ्लैट कर ले। जैसे गेहूं की लोई को फ्लैट करते हैं वैसे ही करेंगे, बस इसको हल्के हाथों से करेंगे ताकि ये टूटे ना, क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होती है इसलिए इसके टूटने के चांसेस ज्यादा रहता है। मड़ुआ के रोटी का साइज गेहूं के रोटी के साइज जितना ही रखेंगे, अगर इससे बड़ा करेंगे तो ये पक्का टूट जाएगा। इसे दोनों हाथों के पाम से पुश करते हुए बड़ा कर लेंगे। मड़ुआ का रोटी तो बन गया है, चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मड़ुआ के रोटी को पकने के लिए सावधानी से तवे पे डाल दे। मड़ुआ के रोटी को पलटने के लिए एकदम फ्लैट स्पैचुला का इस्तेमाल करें, नहीं तो रोटी का शेप बिगड़ जाएगा। एक साइड से ये हो गया है, इसे पलट ले और दूसरे साइड से भी रोटी को सेक लेंगे। रोटी को तवा से निकालने से पहले चेक कर ले कि ये कच्चा तो नहीं है, अगर कच्चा रहेगा तो इसे फिर से सेक लेंगे। मड़ुआ का रोटी एकदम बढ़िया से पका, इसे तवा से हटा ले और सेम प्रोसेस से दूसरे रोटी को भी पका लेंगे। रोटी को चारों तरफ से अलट पलट करके सेक ले। मड़ुआ का रोटी एकदम परफेक्ट पका है। मड़ुआ का रोटी ना कच्चा है और ना ही जला है। अभी इसे तवा से निकाल ले, नहीं तो रोटी जला भी नहीं होगा तो जल जाएगा। अब देख सकते हैं हमारा मड़ुआ का रोटी कितना बढ़िया बनकर के तैयार हुआ है। इस तरह से रागी की रोटी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं। अगर आपको किस चीज की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगी।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ दिल खोल कर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।